दोस्तों अगर आप भी हर्षदीप सिंह को एक अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर हर्षदीप सिंह ने चटकाया विकेट और फिर एक के बाद एक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भेजा इस तरह से पवेलियन और अपनी हैट्रिक गेंदबाजी से रच दिया T20 क्रिकेट का ऐसा बड़ा इतिहास जिसको आज तक मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी तक नहीं कर पाए। तो आखिरकार हर्षदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी के साथ ये रिकॉर्ड तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइए कि हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शमी में से कौन है एक अच्छा गेंदबाज, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज आज भारत और पाकिस्तान की टीम के लिए बेहद ही शानदार रहा। दरअसल दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 का तीसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच मेलबर्न के मैदान पर शुरू हुआ, जहां इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि किसी को क्या ही पता था कि पाकिस्तान की टीम आज मैदान पर उतरकर चारों खाने चित भारत के सामने हो जाएगी। दरअसल हुआ ये कि जब पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पारी की शुरुआत की तो दोनों ही बल्लेबाज आज के इस मुकाबले में हर्षदीप सिंह के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों यहां पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने कुल मिलाकर 5 रन भी नहीं बनाए थे और अपना विकेट गवा बैठे। हालांकि पहला बड़ा झटका बाबर आजम के रूप में पाकिस्तान की टीम को हर्षदीप सिंह ने दिया, जहां बाबर आजम आज के इस मुकाबले में हर्षदीप सिंह की पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जिसके चलते बाबर आजम कोई भी रन नहीं बना पाए और LBW आउट होकर पाकिस्तान की टीम के लिए संकट पैदा कर चले गए। तो वहीं दोस्तों फिर मैदान पर उतरे शान मसूद, जहां शान मसूद और मोहम्मद रिजवान के बीच साझेदारी आगे बढ़ी रही होती है, लेकिन इसी दौरान हर्षदीप सिंह जब अपना अगला और पारी का चौथा ओवर फेंकने के लिए आते हैं तो इस चौथे ओवर की छठी गेंद पर वो मोहम्मद रिजवान को भी भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिसके चलते यहां पाकिस्तान की टीम के 2 बड़े विकेट गिर जाते हैं और मोहम्मद रिजवान मात्र 12 गेंदों में 4 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं हम आपको बताएं कि आज हर्षदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करवाकर कसम से पाकिस्तान की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिया और इस दौरान भारत की टीम का दबदबा पूरे ही मुकाबले में बना रहा। तो वहीं हम आपको बता दें कि हर्षदीप सिंह ने आज जैसे ही अपने ये 2 विकेट हासिल करे थे एक के बाद एक, तो उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय द्वारा पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट लिए जाने के मामले में हर्षदीप सिंह ने अपना नाम इस सूची में शामिल कर लिया है और आज से पहले कोई बड़ा दिग्गज खिलाड़ी भी ये कारनामा नहीं कर पाया था। जहां ना तो भुवनेश्वर कुमार ये कभी कर पाए, ना ही रविचंद्रन अश्विन ने कभी ये करा था और ना ही मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी ये इतिहास रच पाए थे। तो ऐसे में दोस्तों हर्षदीप सिंह ने ये काफी बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर बता दिया है कि आखिरकार पिछले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच छोड़ने के बाद जिस तरह की टिप्पणियां उन पर की गई थी उनका अब उन्होंने करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान की टीम को बैकफुट पर ढकेल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को एक दमदार शुरुआत दिलाई है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है हर्षदीप सिंह की ऐसी तूफानी गेंदबाजी के बारे में और आप हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।